जहरीला पानी पीने से दो लोगों की मौत, चार गंभीर। गांव कुसुमी का है मामला। खेत में काम करने के बाद मटके का पानी पीने से हुआ यह हादसा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया, पानी जांच के लिए भेजा। वहीं बीमारों का निजी अस्पताल में चल रहा है उपचार। पंतल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। सिरसा के गाँव कुसुमी में जहरीला पानी पीने से दो व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित चार घायल हो गए। घायलों में से दो बच्चे शामिल हैं। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार किसान बादर राम की ढाणी में पानी पीने के लिए एक मटके में रखा हुआ था। खेत में काम करने के बाद बादर राम अपनी ढाणी पर पहुंचा और मटके में रखा पानी पी लिया। वहीं उसके साथ उसका पड़ोसी किसान राम कुमार भी था, उसी मटके में से उसी ने भी पानी पिया, जिसकी बाद दोनों की एक साथ तबीयत बिगड़ गई और परिजनों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुँचाया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार उस मटके का पानी किसान बादर राम के परिवार में अन्य परिवार के सदस्यों ने भी पिया था। उनकी भी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सिरसा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मटके के पानी की जाँच के लिए लैब में भेजा गया। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। ये जी का नाम है राजकुमार है, हमारे परिवार से संबंध रखते हैं ये, और इन्होंने अपने खेत में पानी लगाने के लिए गए थे और साथ में पड़ोस की ढाणी के अंदर तिस लगने की वजह से पानी पीने गए थे, और वो पानी पीने के बाद उनको बेचैनी होने लगी और हमने फर्स्ट एड ली गांव में, और उसके बाद हम सिरसा सरकारी हॉस्पिटल में आए तो आते वक्त उनकी रास्ते में डेथ हो गई। कितने जने हम जिनकी डेथ हुई है वो दो है जी, एक राजकुमार है और एक जी भादर है, जिनकी ढाणी से उन्होंने पानी पिया था। उन्होंने पानी मांगा तो भादर जी ने कहा नए मटके से पानी ले लो और एक गिलास मुझे भी दे दो। उन दोनों की डेथ हो गई है जी। बीमार कितने और भी लोगों ने पानी पिया हुआ? और तीन भादर के बेटे और बहू और उनके पोती पोता ने भी पानी उस मटके से पिया था, और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है। ये क्या कुछ उसमें मिला हुआ था पानी में ही, या क्या कुछ पहले कुछ उसके अंदर जी हो सकता है कोई जहरीले जानवर की वजह से वो पानी पीने से उनकी डेथ हुई। ये हमारे को सूचना मिली कि बादर राम वो राजकुमार जो कसुम्बी गांव रहने वाले हैं, इन्होंने कोई नए मटके में पानी था वो पानी पीने से इनकी मौत हो गई। हो सकता है उस पानी के अंदर कोई जहरीला जानवर हो। अब उनकी जो है 174 का भाई अमल लगी है, पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही सूरत होगा भाई। हाँ, चार पांच लोग बीमार है जो संजीवनी अस्पताल में दाखिल है। तो सर पानी की जांच के लिए भी भेजा जाएगा? पानी की जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा और उसकी जांच कराई जाएगी। बादराम की उम्र है करीब 65 साल है, और जो राजकुमार की उम्र है उसकी करीब 30 साल है।